प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी, आज 15 अगस्त मुक्ति पर्व के मौके पे हम यहाँ महापुरुषों के वचन सुन रहे हैं और उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। साथ संगत जी, आज के दिन जगत माता ही ने अपना शरीर त्यागा, एक प्रीत प्यार नम्रता त्याग की वो मूर्त थे, सबको भरपूर प्यार दिया। साथ संगत जी, शहंशाह जी के जीवन से भी हम सब वाकिफ हैं, अनेकों जिंदगियां उन्होंने सवारी और एक भक्ति या भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए वो भी हमें जी के दिखाया। पहले बाबा बूटा सिंह जी के साथ, फिर बाबा गुरबचन सिंह जी के समय एक शिष्य बन के जी के उन्होंने दिखाया। साथ संगत जी, राजमाता जी के जीवन से तो हम बचपन से ही वाकिफ हैं, शुरू से ही देखते आए उनके अंदर की भक्ति भावना, सबके लिए प्रीत प्यार इज्जत सत्कार। बाबा जी ने खुद कहा कि वो उनकी लाइफ पूरी लाइफ एक शहंशाह जी वाला मिशन थी। उन्होंने हर रिश्ता बहुत अच्छी तरह से निभाया पर हमेशा गुरु के रिश्ते को पहल दी। साथ संगत जी, हम भी क्या उन पुरातन महापुरुषों की सिखलाइयों पे चल रहे हैं या इधर उधर की बातों का असर ग्रहण करके हमारा विश्वास हमारी भक्ति पल में डोल जाता है? जैसे वो कहते हैं, पल में तोला पल में मासा, कहीं ऐसा विश्वास तो नहीं है हमारा लोगों की बातों में इधर उधर आके हम संगत से दूर हो जाएं या असर उनकी बातों का ले लें? साथ संगत जी, लोगों का क्या कहना, हंसो तो वो कहते हैं हंसते क्यों हैं, रो तो बोलते हैं ये तो रोते ही रहते हैं। हमने ऐसी बातों में नहीं आना। एक आपने उदाहरण संगत में अनेकों बार सुना कि एक बाप बेटा थे, उनके पास एक गधा था और उन्होंने कहीं जाना होता है तो बाप बेटे को गधे पे बिठा के खुद रस्सी पकड़ के गधे की चलना शुरू हो जाता है। उन्हें कोई देखता है तो कहता है कैसा बेटा है, बाप की उम्र का लिहाज नहीं कर रहा, खुद ऊपर बैठ गया है और बाप को पैदल चला रहा है। ये सुन के बेटा नीचे उतर जाता है और अपने बाप को ऊपर बिठा देता है। थोड़ा ही आगे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कैसा बाप है, छोटे बेटे को पैदल चला रहा है और खुद ऊपर बैठा है। जब ये उनको सुनाई देता है तो वो दोनों ही ऊपर बैठ जाते हैं। इतनी देर में कोई और आगे से कह देता है कि जानवर का बिल्कुल लिहाज नहीं है इनको, खुद दोनों ऊपर बैठे हैं और उसके ऊपर जानवर पे इतना वज़न डाला हुआ है। वो दोनों ही नीचे उतर जाते हैं और रस्सी पकड़ के आगे चलना शुरू करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, देखो जी जानवर है फिर भी पैदल जा रहे हैं। साथ संगत जी, जो गुरमुख होते हैं वो ऐसी बातों में नहीं आते, बल्कि हमेशा यही अरदास करते हैं, इतना काबू हो तेरा मेरे पे कि मैं अगर बुरा चाहूँ भी तो किसी का बुरा कर ना पाऊँ। और अगर हम लोगों की बातों में आते हैं तो उनको दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं बार हम कोशिश करते हैं, वो एकदम बेकल जी की वो लाइनें, घर अपना फूंक देते हैं गैरों का मान के, लेते हैं यूं इंतकाम अपने आप से लोग। साथ संगत जी, अभी आपने एक वो मछली वाला एग्जाम्पल बाबा जी से सुना कि छोटे से दायरे में रहती है, इस करके जब उसको समुंदर में डाल देते हैं तब भी वो समुंदर की गहराई का आनंद नहीं लेती। साथ संगत जी, दूसरी ओर एक और मछली है, उसको समुंदर में जब डाला जाता है तो वो अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेती है और समुंदर को क्रॉस करके आगे बढ़ के किनारे पे पहुंच जाती है। साथ संगत जी, जब वो किनारे पे पहुंचती है तो फिर जो उसका नुकसान होता है उस नुकसान से उसको कोई नहीं बचा पाता। साथ संगत जी, हमने अब
देखना है हम उन पुरातन महापुरुषों की तरह सेवा सिमरन सत्संग कर रहे हैं या अपनी किसी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सत्संग सेवा सिमरन करते हैं। सत्संग जी, अभी हमने ये भी सुना बाबा जी के प्रवचनों में कि इतनी आज़ादी दे मुझे कि मैं तेरी कैद में रह सकूं। मंकार से यही अरदास है कि इसकी कैद में रह के कभी हमारा विश्वास न डोले, इसकी कैद में रह के हम इस मिशन को आगे से आगे बढ़ा पाएँ। प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।